नमस्कार, हम खड़े हैं काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल के अंदर, जहां फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल के अंदर कई नए डॉक्टर्स आए हैं, जैसे उदित चौधरी है जो मेडिसिन है, और डॉक्टर पायुष खुराना है, ये भी एमडी मेडिसिन है। डॉक्टर जूही यादव है जो गायनेकोलॉजिस्ट है। यह हॉस्पिटल हम बता दें कि आयुष विभाग के पैनल पे आ गया है, और यहाँ पर आयुष जो कार्ड होता है उसमें सभी फ्री, यानी कि यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता। आयुष कार्ड, आयुष्मान कार्ड जिसका होता है, और उसके पैनल पर यह हॉस्पिटल आ गया है। आज विशाल मेडिकल चेकअप कैंप जो कि काली देवी आई है जनरल हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है। मेरे साथ हैं हनुमान सिंगला जी। मैं हनुमान सिंगला जी से जानूंगा कि जो प्रधान हैं यहाँ के चैरिटेबल ट्रस्ट के, अक्सर ये हॉस्पिटल आई के लिए जाना जाता था, ये जनरल हॉस्पिटल हो गया है। आज विशाल चैरिटेबल एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है साहब, और कितने नए डॉक्टर्स आ गए हैं आपके यहाँ, क्या क्या सुविधा दी जा रही है आपको? यह हॉस्पिटल श्री काली देवी मंदिर द्वारा बनाया गया है। इसके ये 28 साल से शहर की सस्ती और अच्छी सेवाएं दे रहा है। अब ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है, इसमें 6 डॉक्टर यहाँ परमानेंट हैं, 2 डॉक्टर विजिटर डॉक्टर है जो परमानेंट से आए हैं, 2 एमडी मेडिसिन है, 1 आई सर्जन है, 1 गायनोलॉजिस्ट है, 1 डेंटिस्ट है, एक पायुष खुराना है एमडी है, उदित चौधरी हैं वो भी एमडी है, पायुष खुराना जी जो आई सर्जन है, पुनीत जी हैं वे आई सर्जन है, जूही यादव जी हैं, जूही यादव जी हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है। ठीक करना पड़ेगा तो कटिंग पटाएगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं करती, आप तो बोले जाओ। जो यहाँ पे जो सरकार की द्वारा फैसिलिटी दी गई है आयुष्मान की, सभी कंप्लीट रूप से चालू है सभी विभागों की। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उससे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, उनकी बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। ये आयुष्मान विभाग के पैनल पे आ गया है, आयुष्मान के पैनल आगे भी फ्री चलेगा, पैनल हमारे पास आ गया आयुष्मान का, और भी जो इतने इंश्योरेंस के टीपी हैं वे भी आ गए हैं। अब बहुत जल्दी हमारी इंस्पेक्शन हो चुकी है, ECH की भी आ जाएगी, फौजियों का भी आ जाएगा, इंश्योरेंस का भी हो जाएगा, ECH की भी परमिशन आ जाएगी, इंस्पेक्शन हो चुकी है, आयुष्मान विभाग आयुष्मान चालू हो चुका है हर विभाग का। देखिए, इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यह आयुष्मान विभाग चालू हो गया है। यहाँ पर BPL कार्ड का, जिसका आयुष्मान का कर, सरकार द्वारा जो फैसिलिटीज दी गई है पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बड़ा, जिसे मेला कहते हैं कि मेले की तरह भरा हुआ था ये पूरा प्रांगण, और वहाँ पर डॉक्टर्स की OPD में भी इतना रश है कि मैं एक एक डॉक्टर से अब फुर्सत में आया हूँ। इनकी OPD अभी थोड़ा सा ढीली हुई है, तो मैं इन डॉक्टर से जानूँगा। सबसे पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आप हैं डॉक्टर जी? मेरा नाम डॉक्टर पायुष खुराना है, मैं MD जनरल मेडिसिन हूँ, और मैं यहाँ पे हर तरह के मरीज़ देखता हूँ, जैसे कि हृदय रोग, छाती रोग, शुगर, BP, थायराइड। दोस्तों, पायुष खुराना जी एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटेंट फिजिशियन है काली देवी हॉस्पिटल में, जो आपको अपनी पूरी सेवाएं देंगे, और जितने अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं उतने अच्छे हैं कि ये इंसान भी हैं, आप इनकी सेवाएँ ले सकते हैं, और इन्होंने मेडिकल कैंप में अपनी सेवाएं दी हैं, रेगुलर सेवाएं देंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर जूही यादव, चावला नहीं बोलूँगा, चावला तो एक कॉम्पिटेंट एक फिल्म स्टार रही हैं। जूही यादव जी, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में आई हैं यहाँ, और परमानेंट काली देवी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। किस तरह के केसेस आते हैं और किस तरह के केसेस आप टेकअप करती हैं? जी, नॉर्मल डिलीवरीज आती हैं, हाई रिस्क केसेस आते हैं, जहाँ पे पूरे शरीर पे सूजन होती है पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान, BP बढ़ा हुआ होता है, डायबिटिक पेशेंट है, या थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को हम नॉर्मल डिलीवरीज भी कराते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन की भी फैसिलिटी है, हम ऑपरेशन भी करते हैं। महावारी की दिक्कत होती है पीरियड्स में, जिनको इरेगुलर ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, पेट दर्द होता है, जो यंग पेशेंट्स हैं उनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है वो भी
हम मेडिकल हार्मोनिकल डिसऑर्डर होता है, मेनापोज होता है, लेडीज यानी कि प्रोटीनाइज भोजन नहीं करती, लीन हो जाती हैं और उनके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, ये सारी गाइडेंस ये सारा हम गाइड करते हैं। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी गाइड करते हैं और यूट्रस के जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, जो NDVH बिना टाके वाला ऑपरेशन होता है, वो भी हम ऑपरेशन विदाउट स्टिचेस, उसमें नहीं, उसमें लैप्रोस्कोपी में भी पेट पे टाँके आते हैं, पर वेजाइनल हिस्टरेक्टमी और NDVH जो होता है वो वेजाइनली ही हम उसको बच्चेदानी को निकाल देते डिजॉल्व हो जाते हैं और अंदर ही इंजेक्शन अंदर ही हम स्टिचेस लगाते हैं, पेट पे कोई टाँके नहीं आते, कोई रैशेस नहीं पड़ते, कोई कोई स्टिचेस नहीं आते, स्टिचेस के वो मार्क्स नहीं आते। नहीं, देखिए ये हैं डॉक्टर जूही यादव, गायनाकोलॉजिस्ट जिसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। जिस भी यानी कि बहन या बेटी को डिलीवरी करवानी हो, सिजीरियन करवाना हो या स्त्री रोग से जो भी संबंधित कोई डिजीज हो तो इनकी सेवाएं ले सकती हैं, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। उदित चौधरी जी का थोड़ा सा प्रोफाइल मैं बता दूं कि ये USMLE करके USC से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। MD आप खुद ही बताएं अपना। सर मैं MD इमरजेंसी मेडिसिन हूं और साथ में रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन से भी मेरे पास न्यूरो क्रिटिकल केयर में फेलोशिप है। इंडिया में बड़े 3 से 4 कॉरपोरेट ग्रुप्स में रह चुका हूं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसके बाद यहाँ आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज काली माता के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। जितनी भी गंभीर रोग की समस्याएं हैं उन सब के लिए मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिवली विशेषता मेरे पास है और एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा यहाँ पे दे रहा हूँ। आई कैन से यू आर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द मेडिसिन। या सर स्टिल आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। आई एम यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर यू। या आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज, आई कैन से दैट, बट आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज कुछ नया आता है, रोज कुछ नया इमरजेंसी में ICU में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल ये एक इवॉल्विंग फील्ड है, बट स्टिल आपने इसके साथ नवाजा तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर इट्स माय ड्यूटी टू गिव द एडजेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ये हैं डॉक्टर उदित चौधरी जी, जो इन्होंने खुद ही अपना प्रोफाइल बताया है कि ये क्रिटिकल मेडिसिंस के हैं और किसी भी तरह की न्यूरो की भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप उदित चौधरी जी की काली देवी में आके सेवाएं ले सकते हैं। मेरा आई सर्जन है आपका, हमने कंजक्टिवाइटिस के टाइम पे इंटरव्यू किया था और आपने लोगों को बड़ा गाइडेंस दी थी और जो बड़ी फ्रूटफुल रही इस काली देवी हॉस्पिटल के। आप एक कॉम्पिटेंट नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और मेडिकल चेकअप कैंप के अंदर आपने बहुत पेशेंट देखे हैं, मैं देख रहा था आज, तो कैसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में सब कुछ है? हॉस्पिटल में सारी की सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आई फ्लू के दौरान आपको कहा था, जिस टाइम पे ये एक तरह का पेंडेमिक था शॉर्ट ऑफ पेंडेमिक था, तो आज के डेट में हम हर एक तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कर रहे हैं, जिसमें काले मोतिया से लेके सफ़ेद मोतिया का इलाज भी हो रहा है और बिना चीरे के, बिना टीके के, बिना टांके के और बिना पट्टी के हम पेशेंट का करके उनको उसी दिन छुट्टी कर देते हैं। दोस्तों इन सब डॉक्टर्स की सेवाएं श्री काली देवी IN जनरल हॉस्पिटल में बिल्कुल मुहैया करवा दी गई हैं और उसके जिम्मेवार हैं हमारे प्रधान हनुमान सिंगला जी, जो जिनके फादर ने ये एक पौधा लगाया था, आज ये वट वृक्ष बनकर पूरी हांसी सब डिवीज़न को ही नहीं हिसार तक के पेशेंट यहाँ आते हैं जिनको ये मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। अपना हाँ एक और बता दूं कि आयुष्मान जो सरकार की एक योजना है वो बिल्कुल यहाँ लागू हो चुकी है और एक्स सर्विस मैन जो होते हैं उनकी भी जल्द ही यहाँ पर वो स्कीम यहाँ लागू हो जाएगी। आयुष्मान का कार्ड आपके पास है तो 5 लाख तक की आप यहाँ इलाज करवा सकते हैं और फ्री इलाज होगा आपका, और ये उसके पैनल पे आ गया है ये हॉस्पिटल, ये इस हॉस्पिटल की खूबी है। आइएगा और इस चैरिटेबल हॉस्पिटल की चैरिटी का लाभ उठाइए।